कमलनाथ सरकार के समय सरकार के नाक में दम करने वाले आचार्य देव मुरारी बापू अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनेता संतों का सम्मान नहीं करते, इसलिए अब संत ही चुनावी मैदान में उतरकर अपना सम्मान पाएंगे। आचार्य देव मुरारी बापू ने चुनाव लड़ने वाले फैसले को लेकर कहा, संतों का राजनीति में होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संतों के बिना ये राजनीतिक पार्टियां बेलगाम हो चुकी हैं। इनके राज में संत महात्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, संतों के मठ मंदिरों पर गुंडे बदमाशों का कब्जा होते जा रहा है। इसलिए संत समाज राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के बैनर तले मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सभी विधानसभा सीट पर राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। साथ ही आचार्य देव मुरारी बापू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि कमलनाथ ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया, जिस वजह से उनकी सरकार 6 महीने में ही गिर गई। सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, यदि भविष्य में कोई भी राजनेता संतों के साथ धोखा करेगा तो उसके साथ यही होगा। संतों का राजनीति में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों के बिना सत्ताधारी दल राजनीतिक पार्टियां बेलगाम हो चुकी हैं। संत महात्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा, मारा जा रहा है, मठ मंदिरों पर गुंडा माफियाओं के कब्जा हो रहे हैं, गौशाला की बड़ी दुर्दशाएं हैं। इसलिए संत जब तक राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, संतों का संरक्षण नहीं होगा, गौ माता की रक्षा नहीं होगी। कमलनाथ जी का भी हमने साथ दिया, उनको पार्टी को मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री तक का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए राज्यमंत्री दर्जा देने का बात करने के बाद पीछे हट गए थे। तो इसलिए मैंने घोषणा भी की थी कि कमलनाथ जी संत के साथ धोखा दे रहे हैं। कमलनाथ ही नहीं, कोई भी पार्टी का मुखिया यदि संत के साथ धोखा करेगा तो उसकी पार्टी नहीं चलेगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।